नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो वेबसाइट यानी कि यूट्यूब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाएं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूट्यूब है क्या। यूट्यूब एक वीडियो वेबसाइट है जिस पर रोजाना लाखों वीडियोज अपलोड होती है, लाखों वीडियो शेयर की जाती है, जो कि मूवी से लेकर कार्टून से लेकर बच्चों के कार्टून से लेकर बहुत सारी इंडस्ट्रियल हर तरह की वीडियोज यहां पर अपलोड होती हैं। अगर आप भी YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो YouTube पॉलिसीज का ध्यान रखें, आप किस तरह की वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं और YouTube से पैसा कमा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है हिंदी से हेल्प। आइए आपको बताते हैं कि YouTube पर हम चैनल कैसे बनाएंगे और YouTube पर चैनल बनाने के बाद हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं, किस तरह से वीडियो अपलोड करनी होती है जिससे हम पैसे कमा पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। YouTube पर चैनल बनाने के लिए आपके पास Gmail की आईडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास Gmail की आईडी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। gmail.com पर जाना है और आपने आईडी क्रिएट करनी है। अगर आपकी आईडी ऑलरेडी है तो थोड़ा सा वीडियो को आप स्किप कीजिए, उसके बाद आपने जो भी स्टेप्स आपको दिए गए हैं वो आपने फॉलो करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएट एन अकाउंट आपने क्लिक करना है। जब आप gmail.com पर जाते हैं तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वो आपने फॉलो करना है। यानी कि अपना नाम यहाँ पर डालना है और आपने अपना लास्ट नाम डालना है वहाँ पर, और अपनी यूज़र नेम यानी कि सिलेक्ट करना है कि आपका जो नाम है उससे मिलता जुलता होगा तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि थोड़ा सा नाम इंसर्ट कर देता हूँ और इस तरह से मैं आईडी बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे अपने हिसाब से पासवर्ड डालना है, जो भी मैं डालना चाहूँ वो डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया है और ऐसा पासवर्ड रखिए जिसको आप याद भी रख सकें और आसान भी हो, ठीक है। और 8 अक्षरों का आपने पासवर्ड रखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। प्लीज़ चूज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर एंड सिम्बल्स। यानी कि स्ट्रॉन्ग थोड़ा पासवर्ड रखिए जिसकी वजह से इसको कोई हैक ना कर सके, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट कीजिए और नेक्स्ट के बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है, जो कि फ़ोन नंबर आप जिसके ऊपर SMS आएगा जो कि वेरिफिकेशन के लिए होगा, इसलिए आप जो भी आपके आसपास नंबर हो और आपका नंबर हो वही आपने यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आप नंबर इंसर्ट करिए, उसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन के ऊपर एक SMS आएगा, उस SMS को आपने वेरीफाई करना है, यानी कि गूगल अकाउंट का वेरीफाई करने के लिए वो SMS आएगा। ये देखिए SMS आ चुका है और इस SMS को जो भी कोड आएगा वो जो होगा वो G के आगे आएगा, G538572। तो ये मेरे पास कोड आया है, इसको मैं वेरीफाई करता हूँ। जब मैं वेरीफाई करूँगा तो यहाँ पर मुझे रिकवरी ईमेल का ऑप्शन आएगा, यानी कि पहले जो आपकी आईडी है वो आपने डालनी है। अगर आपकी आईडी किसी और पर है या जीमेल पे नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट पे है तो भी आप डाल सकते हैं उस आईडी को, या फिर आपकी याहू पर है तो वहाँ वो भी आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जीमेल की आईडी है मेरी, वो मैंने डाल दी है। साथ में आपने डेट डालनी है, अपना मंथ और ईयर यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर डालनी है। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ 1992, और यहाँ पर जेंडर मुझे मेल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मेल फीमेल वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसीव वीडियो कॉल मैसेज यानी कि जो भी गूगल की नोटिफिकेशन वो आपको चाहिए नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, प्राइवेसी एंड टर्म्स जिनको फॉलो करना है, और इसको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन आ चुका है, इस पर मुझे क्लिक करना है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी जो है आईडी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी, यानी कि मेरी जीमेल की आईडी बन चुकी होगी, ठीक है। उस आईडी के ज़रिए आप यूट्यूब पर बहुत आसानी से अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आपका जीमेल पर ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली youtube.com पर जाना है, जैसे कि हम अब जाएंगे। तो यहाँ पर आईडी जो बनी है वो
त्रिपाठी राघव 6612@gmail.com, ये मेरी आईडी बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है। अब आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं कि अगर आप यूट्यूब पर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप दूसरा अकाउंट कैसे बनाएंगे, वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ में पहले मैं ये बता देता हूँ कि किस तरह से आपकी जो जीमेल आईडी ऑलरेडी है उसे आपने क्या करना है। जैसे मैं जीमेल आईडी बना चुका हूँ तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। जब मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो मेरी आईडी है वो ऑलरेडी लॉगिन हो गई है, ठीक है। इस तरह से ही आपने, अगर आपकी लॉगिन नहीं हुई है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं साइन आउट करके आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये देखिए यहाँ पर मैंने साइन इन पर क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन आ गया, यानी कि ऊपर जो आ रहा है मेरी आईडी जो ऑलरेडी डली हुई है। यहाँ पर मुझे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालने के बाद मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना है और मेरी ये जो आईडी है यूट्यूब में लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो आइकन आएगा उसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जब इस आइकन पर आप क्लिक करते हैं तो माई चैनल पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू चैनल। यहाँ पर आपने नाम डालना है अपने चैनल का, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यानी कि यहाँ पर आप डाल सकते हैं नेम और अपने चैनल का, और क्रिएट चैनल पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ HSH, यानी कि हिंदी से हेल्प, और यहाँ पर मुझे डालना है HSH, कुछ भी आप डाल सकते हैं, मतलब HSH के मतलब जो भी आपको चैनल लगता है, यानी कि जैसे मैं मान सकता हूँ कि कोई भी चैनल है, जैसे फ़नी चैनल है तो फ़नी वाइंस या फिर ऐसा कुछ आप डाल सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ इन्फो, ठीक है। यहाँ पे HSH इन्फो करके मैं चैनल, यहाँ पर क्रिएट चैनल पर क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। अगेन हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए यहाँ पर चैनल तो क्रिएट हो चुका है, ये देखिए हमारा चैनल गॉट इट पर क्लिक करना है, आपने इस आइकन पर क्लिक करना है और माई चैनल पर क्लिक करना है। तो ये हमारा जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ये चैनल हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कस्टमाइज़ करना है, यहाँ पर इमेज लगानी है, तो इस आइकन पर हमें क्लिक करना है और एडिट पर जाना है। जब हम एडिट पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये रिडायरेक्ट हो जाता है डायरेक्टली प्रोफाइल गूगल प्लस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप पर जाना है हमें। डेस्कटॉप पर मैंने जो इमेज लगाई हुई है वो मुझे यहाँ पर डालनी है, जो कि मैंने इमेज ऐड की हुई है वो मुझे यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे कि ये इमेज है तो इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ से, इस इमेज को मैंने यहाँ पर हिंदी से हेल्प, इसको मैं डन कर देता हूँ और ये इमेज लग जाएगी ऑलरेडी, ठीक है। ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी, वो थोड़ा टाइम लगाती है तो आ जाएगी। जैसे इमेज आ गई है उसके बाद यहाँ पर आने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगेन हमें क्या करेंगे, youtube.com पर जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारी जो वीडियो वो है वो यहाँ पर लग जाती है। ये देखिए यहाँ पर इमेज आ चुकी है और उसके साथ ही हमें क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे जाना है हमें, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर YouTube स्टूडियो बेटा पर जाना है और यहाँ पर अपलोड वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ा न्यू स्टाइल है, यानी कि जो YouTube का स्टूडियो है वो थोड़ा नया स्टाइल है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे क्रिएट स्टूडियो क्लासिक, इस पर क्लिक करेंगे और जो है ये क्लासिक मोड में चेंज हो जाएगा। ये देखिए जो कि पहले आता था वो क्लासिक मोड इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर व्यू चैनल करेंगे हम, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा वीडियो है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से भी आइकन आ रहा है क्रिएट एंड वीडियो अपलोड करने का, गो लाइव भी हो सकते हैं और अपलोड वीडियो भी कर सकते हैं। तो अपलोड वीडियो पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जो भी वीडियो आपके पास हो वो यहाँ से आप अपने इंसर्ट कीजिए। और इंसर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे कि मेरे पास कोई वीडियो होगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि ये वीडियो है, इसको मैं अपलोड करता हूँ और यहाँ पर ये वीडियो अपलोड होगी। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइटल डालना होगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना होगा और उसके बाद हमें यहाँ पर टैग्स डालने होंगे, ठीक है। यहाँ पर टैग्स डालने के बाद हमने क्या करना है, वीडियो को पब्लिश करना है और ये वीडियो लाइव हो जाएगी। इस तरह से आपने वीडियो को अपलोड कर देना है यूट्यूब के ऊपर। जब आपकी वीडियोज़ अपलोड हो जाती हैं उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है कि आपने क्या करना है, अपने YouTube में जाता हूँ, YouTube स्टूडियो पर जाता हूँ और यहाँ पर आपको क्लासिक मोड में जाते हैं। क्लासिक मोड में जाने के बाद हमें, मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पर, कि चैनल पर हमें जाना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शंस है अपलोडिंग, मोनेटाइजेशन,
और लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीम्स, लॉन्गर वीडियोस, यानी कि 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पर ये एलिजिबल हो जाएगा। इसको अनेबल भी कर सकते हैं आप यहाँ से। और यहाँ पर ये मेन ऑप्शन है जब हम बात करते हैं अपने यूट्यूब से पैसा कमाने की, तो यहाँ पर अनेबल पर हम क्लिक करेंगे। इसको जब आप वीडियोस अपलोड कर देते हैं, 20-25 वीडियोस अपलोड करिए और हाई क्वालिटी वीडियो अपलोड कीजिए, उसके बाद हम इस ऑप्शन पर आते हैं। तो इस ऑप्शन पर आने के बाद हमने स्टार्ट पर क्लिक करना है, और स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद हमने इन कोई इन कंडीशंस को फॉलो करना है। और इसको ध्यान से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इन प्रोग्राम्स को फॉलो अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकती है, जिसकी वजह से आपको कॉपीराइट या फिर किसी तरह का भी परेशानी आ सकती है और आपका चैनल भी बंद हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन चीज़ों को सबको फॉलो करके यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपके पास जो भी ऑप्शंस आएंगे उनको आपने फॉलो करना है, जिससे आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पर साइन अप टू एडसेंस, एडसेंस पर साइन अप उसी के बाद करना है। जब आपका लाइक नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा मैं, और आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के लिए। तो जैसे कि यही वाली इसी आईडी से मैं अप्लाई करता हूँ, जो कि मैंने अभी आपके सामने बनाई थी। तो इस आईडी को यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर वेबसाइट है, चैनल ऑलरेडी डला हुआ है, जो कि हमारा ये वाला चैनल जो अभी हमने बनाया, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपने कंट्री, जो भी आपकी कंट्री है, ठीक है। इंडिया मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये सेंड कर, ये कोई ज़रूरी नहीं है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, यानी कि आपने जो भी चीज़ें चाहिए होंगी या फिर कस्टमाइज कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ पर इनको टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, पॉलिसीज़ देखनी है, आई एक्सेप्ट री एग्री द एग्रीमेंट, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको पढ़ लेना है सही से, मैं एग्री करता हूँ जो भी कंडीशंस हैं। उसके बाद मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा, यानी कि जो आपका एडसेंस का अकाउंट हो वैसे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, यानी कि तब आपने यहाँ पर जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो सारा यहाँ पर इंसर्ट करना है, डालना है, जो भी आपकी पेमेंट का एड्रेस है वो यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, और वीडियोस आप अपलोड करिए। और जैसे ही आपके 4000 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपको अर्निंग होना भी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप YouTube पर चैनल बना सकते हैं, और चैनल बनाने के बाद उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जो हमारा YouTube पर चैनल कैसे बनाएं ये पसंद आया होगा। आशा करता हूं आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।